वाइल्ड लाइफ एरिया में एंट्री हो गए अभी। यहाँ पे बहुत सारा एनिमल्स पाया जाता है। देखिए बंदर है, यहाँ पे बहुत सारे बंदर है। देखिए यहाँ पे गाइस हो गए ना कल वाटरफॉल्स, यहाँ से और 15 किलोमीटर दूरी पर है। और ये जो रोड है ना, ये पूरा जंगल एरिया है। और आपको हो गए ना कल जो वाटरफॉल्स, 50 किलोमीटर पहले ही आपको फॉरेस्ट एरिया, वाइल्ड लाइफ एरिया आपको मिल जाएगा। ये पूरा देखिए फॉरेस्ट का एरिया है, दूर दूर तक कोई भी नहीं है यहाँ पे। गणेश का विसर्जन चल रहा है आज, इसके लिए भीड़ भाड़ है। ओके ना कल मैं आ चुका हूँ अभी एक मार्केट का हिस्सा है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत गर्म है, बेंगलुरु का वेदर से और यहाँ का वेदर से बहुत डिफरेंट है। एक्चुअली ये तमिलनाडु ही कह सकते हो, ये बॉर्डर एरिया ही है। बेहद गर्मी है यार यहाँ पे। और ये जो प्लेस है, ये तमिलनाडु बॉर्डर और कर्नाटका बॉर्डर का बीच में पड़ता है। ये जो प्लेस है, ये तमिलनाडु का ये धर्मपुरी जिला में पड़ता है और आधा पड़ता है कर्नाटक का चामराजनगर का जिले में ही पड़ता है। ये देखिए इसको टोकरा बोलता है, इसमें करके फॉल्स में लेके जाके घुमाता है। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा है। यहाँ पे देखिए रेट के बारे में दिया हुआ है, 4% या 2 या 3, आप कोई भी पर्सन आप जाओगे तो आप 1500 देना पड़ेगा। 2 जाइए 3 जाइए या 4 जाइए 1500 चार्ज करता है यहाँ पे। और ये जो चार्जेस लेता है 1.5 आवर के लिए यहाँ पे लिया जाता है। ये देखिए ये लोग घूम के आ गए अभी। हम दो आदमी के लिए बोल रहे हैं क्या, ये जो टोकरी चलने के लिए बोल रहा है 1000 रुपीज़, लेकिन अगर 4 आदमी होता तो अच्छा होता, 1500 में हो जाता है। 5% में कितना पड़ता है, 350 या कुछ। लेकिन ये भैया बोल रहा है क्या 1000 कितना आना, एक्स्ट्रा आना सर, 1000 एक्स्ट्रा देना, 2% ना, तो आना बोल रहा है क्या 2% के लिए 1000 रुपीज़ चार्जेस। तो क्या करेंगे, अभी इतना दूर आए हम लोग और चलने का भी नहीं है टिकट के लिए, वो भी बाहर जाना पड़ रहा है। तो ये देखिए ये वेटिंग बैठने के लिए जो सैटरडे संडे रेस्ट होता है ना, इसके बैठने के लिए फुल क्राउड होता है बोल रहा है इस जगह पे। अभी 1000 रुपीज़ दिए हम लोग, 1000 बोल के अभी बोल रहे हैं 1500, कैसा पता नहीं है क्या बात करें, पता नहीं अभी। टिकट में तो लिखा है 1500, पता नहीं क्या ये चक्कर। अभी दो आदमी को बोल रहा है चढ़ाएगा, कहाँ लेके जाएगा पता नहीं है। आपका नाम ये नस्त्र अन्ना है, ये वेंकटेश अन्ना है उनका नाम, इसका कोरेकल बोलता है। देखिए कितना बेम्बो से बनाया है, ये बेम्बो और नीचे जैसे प्लास्टिक। 6 मंथ इस कोरेकल का जो लाइफ है ना, 6 मंथ बोल रहा है, 6 मंथ के बाद इसको चेंज करना है। ले जाए कहाँ हवाए हवाए, चक्का आता यार। गाइस देखिए झरना का जो आवाज़ है कितना तेजी से यहाँ से सुनाई दे रहा है। याव दो रोड दो बेरे रोड दो ओके। देखिए वहाँ से इधर तक आने आके आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। हो गए निकल जो वाटरफॉल्स है वो देखने के लिए आपको उस तरफ जाना पड़ता है। और गाइस इस जगह तक आने के लिए बेंगलुरु से मिनिमम 130 किलोमीटर आना पड़ेगा। और 130 किलोमीटर जो सफ़र है ना, हम लोग को 4-5 घंटा लग गया। सुबह 11 बजे आया यहाँ पे, 4 बज गए आने के लिए। थोड़ा दूरी पर है और फॉरेस्ट एरिया है, 50 किलोमीटर पहले पूरा फॉरेस्ट एरिया पड़ता है इस जगह पे। इस वाटरफॉल्स का मज़ा आप नज़दीक से ले सकते हो। अभी इस तरफ देख के आएंगे हम, कितना खूबसूरत नज़ारा है देखिए। बेहद खूबसूरत है।
जैसे उस तरफ पानी का जो बूंदे हैं यहाँ पे यहाँ तक आ रहा है। ओह वाह देखिए पानी का जो बूंदे है ना बदन पर गिर रहा है। इसके नीचे जाने के बाद जो पूरा फॉल्स का जो मज़ा है ना वो मज़ा मिलेगा। अभी देखिए सैटरडे संडे नहीं है ना इसके लिए इतना रश नहीं है, नहीं तो सैटरडे संडे बोल रहा है बहुत रश होता है यहाँ पे, डर भी लग रहा है मेरे को। देखिए कितना बड़ा बड़ा चट्टान है यहाँ पे और चट्टानों को फाड़ते हुए जो पानी का जो धारा है वो नीचे आ रहा है। ये देखिए पूरा जैसा लग रहा है हम लोग कोई आइलैंड में आए हैं ऐसा लग रहा है। कोई नहीं अभी हम लोग दूसरा साइड पे आए हैं अभी है ना जाना इला है बत्तू सैटरडे मात्र ना बोला है संडे सैटरडे तो बहुत सारा रश है। इसका भी थोड़ा माप दंड करके बैठना पड़ता है नहीं तो नहीं 80 फीट बोल रहा है डीप यार ये अन्ना कोकोडाइल कोकोडाइल तो नहीं है बोला है लेकिन बोट अकड़े बोट दे कोकोडाइल ओ फार्म ओ उधर उस तरफ फार्म है कोकोडाइल का। ओके ओके अन्ना फिश इधर एस्ट्रो डूड फिश डूड इधर टाटा इधर ओके 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 ओहो हो देखिए अंकल यहाँ पे फिश चला फिश मार रहा है यहाँ पे। देखिए ये जो आवाज़ है देखिए यहाँ पे भी कनाडा तमिलनाडु तमिलनाडु फिनिश है इस तरफ बोल रहा है तमिलनाडु और इस तरफ कर्नाटका हाँ कर्नाटका बॉर्डर इस तरफ है उस तरफ है तमिलनाडु बॉर्डर। ये जो कावेरी नदी ये दोनों बॉर्डर के बीच में बहता है ये। बोल रहे कि अगर चार आदमी होता तो यहाँ तक हम लोग आ नहीं पाते क्योंकि ये बहुत सारा वेट हो जाता इसके लिए अंकल बोल रहा है कि हम लोग दो पर्सन है इसके लिए यहाँ तक आ पाए तो अच्छा हुआ हम लोग दो पर्सन यहाँ पे आए हैं। पूरा पानी यहाँ पे गिर रहा है अभी देखिए पूरा बदन दिख रहा है अभी जैसा बारिश हो रहा है बारिश आ गया बारिश 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 यार पूरा बॉडी फिट गया यार इस तरफ झरने नहीं है इस तरफ शांत है। देखिए कितना खूबसूरत प्लेस है चट्टानों के बीच में ये जो नदी है बहता है बहुत शांत है इस एरिया में। गाइस अगर आप होके नकल फॉल्स में वाटरफॉल्स में आने के बाद आप बोट का मज़ा नहीं लिया तो आप ने कुछ नहीं लिया और यहाँ पे आने के बाद आप ज़रूर आप बोट का मज़ा लीजिए लेकिन आप बार्गेनिंग कीजिए। देखिए आपके हिसाब में आपको मैंने पहले ही बोला है चार आदमी के लिए 1500 है और 2 पर्सन है तो भी 1500 और 1 पर्सन है तो भी लेकिन 2 आदमी बेटर रहेगा क्योंकि आप बहुत झरने के नज़दीक तक आप जा सकते हो बेहद खूबसूरत प्लेस है। देखिए यहाँ पे शायद मार्केट भी है देखिए वहाँ पे मार्केट भी है अन्ना फिश दे ले फिश फ्राई होगी तो फिश फ्राई अभी देखेंगे खाएंगे अभी भूख भी लग रहा है। उधर भी है टिकट सिस्टम उधर भी चढ़ता है लोग ये मैसूर की तरफ हो गया ये बहुत सारे लोग यहाँ पे इस नदी का जो मछली है इसको पकड़ के लोग अपना गुजर बसर करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे आंटी लोग हैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स से लेके सब नहीं आंटी वो बोल रहे हैं कि ये लोग ही आएंगे इस जगह पे आके देंगे 4 पीस 100 रुपीस
ಇದು 4 ಪೀಸ್ 100 ಇದು 4 ಪೀಸ್ 100 ಇದು 5 ಪೀಸ್ 100 5 ಪೀಸ್ 100 150 ಇದು 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 ಕುರಿ 4 ಪೀಸ್ ಕುರಿ 4 ಪೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನಿಯನ್ ಗಿನಿಯನ್ ಮಾಡಿ ಕುರಿ ಕುರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಟ್ ಹಾಟ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕುರಿ ತೋ ಯಹಾ ತಕ ಆನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಪ್ಕೋ ಥೋಡಾ ದೂರ್ ದೂರ್ ಆನಾ ಪಡೆಗಾ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಅಭಿ ಊಪರ್ ಚಲೆಂಗೆ ಆಂಟಿ ಲೋಗ್ ಅಪ್ನಾ ಅಪ್ನಾ ಜೋ चूल्हे है इसको जला के यहाँ पे फिश को फ्राई करते हैं। देखने के भी लायक है इस जगह पे। देखिए यहाँ पे आंटी लोग भी यहाँ पे देखिए और एक टोकरी में लेके जो फ्रूट है और किस्म किस्म का जो चीज़ है ये लेके यहाँ पे सेल करते हैं यहाँ पे। यह अच्छा एक जगह है, आप यहाँ पे ज़रूर आइए। अभी हम लोग फिश ले लिए अभी और साथ में वाटर भी ले लिया है। हम लोग उस पार जाएंगे। अभी हम लोग इस जगह पे आए हैं। जितना चार्ज रहा चार्ज अंकल तो कोई तो कोई तो कोई तो कोई अंकल अन्य ये बेकार अन्य इले सक नहीं किया सर चार्ज हो गया चार्ज है देखे तो दोनों टेस्ट है बहुत टेस्ट है यार सी फिश ला वो नहीं रिवर फिश। अन्ना कह रहा है कि काबेरी का वाटर का जो पानी है ना इतना साफ सफाई है, देखिए पानी पी रहा है, फिल्टर करने का जरूरत नहीं है, इतना साफ सफाई है काबेरी वाटर। देखिए ये आइलैंड का हिस्सा है। हम लोग अभी हमारा फिश खाना हो गया, अभी ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा देखेंगे क्या नज़ारा है। देखिए कितना सुंदर वादियाँ है यार, मन को शांति मिल जाता है यार ऐसा जगह में आने के बाद। देखिए कितना सुकून इस जगह। शायद मार्केट अन्ना इधर मार्केट ही देना इधर मार्केट इला इधर यहाँ तो फॉरेस्ट इधर तमिलनाडु फॉरेस्ट ना तमिलनाडु ना। इस कचरा को हम एक जगह में फैलेंगे। देखिए इस जगह को कितना इन लोगों ने दारू का बोतल प्लास्टिक फेंक के ख़राब कर दिया है। देखिए हर तरफ दारू का बोतल और प्लास्टिक है। एक जगह में इसको इकट्ठा करके फेंकना अच्छा है। कितना सुंदर प्लेस है यार। चलो चलो जाएंगे आखिर। ये नदी है, नदी का एक धारा बहता है उस तरफ। हम जे यामची ने फसे बेंगलुरु ले यदि अमुक तक कोई बला पीने के पानी के अंदर में फिश दिखाई दे रहा है। शाम भी हो रहा है, बहुत दूर जाना है, जंगल का रास्ता है और जाने के लिए तो और 4 घंटा चाहिए लग रहा है। अंकल हेल्प मत कहाँ अभी गाइस। देखिए कोई भी नहीं है यहाँ पे गाइस। इस जगह में आने के बाद ये जो अन्ना है ना, उनका नाम वेंकटेश अन्ना है, उनका फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप आए तो उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। बेहद अच्छा आदमी है। 2 घंटा का ऊपर हम लोगों को इस जगह को घुमाया है। बेस्ट सुपर इंसान है। इस जगह पे आने के बाद ब्रोकर आपका पीछे पड़ जाएगा, ये चार्ज वो चार्ज बोल के। तो इसके लिए आप टिकट काउंटर से टिकट ले सकते हो। और मैंने जो आदमी को मैंने दिखाया या उनके बारे में बोला उनके साथ भी कॉन्टैक्ट करके आ सकते हो। बेहद अच्छा आदमी है, हम लोगों को एक्स्ट्रा घुमाया है। अभी जिस जगह पर जा रहा हूँ ये इसका बगल में ही है, ये पब्लिक बर्थ एरिया है। यहाँ पे स्नान करते हैं लोग, यहाँ पे भी फिश मिलता है यहाँ पे ख़रीदने के लिए। मार्केट उस तरफ है फिश का। देखिए बहुत सारा फिश है यहाँ पे। नहीं मुझे चलना रहे। देखिए अभी भी बच्चा लोग अभी भी यहाँ पे नहा रहा है। ये जो एरिया है ना, ये नहाने का एरिया है, यहाँ पे लोग नहाते हैं। इससे आगे आप नहा नहीं सकते हो, जा नहीं सकते हो। अंधेरा हो चुका है अभी। इस जगह पे भी ये स्नान करता है यहाँ पे लोग। देखिए बेहद खूबसूरत है यहाँ पे भी। यहाँ पे भी लोग स्नान कर रहा है, नहाने का ये जगह है। हम लोगों ने लेट कर लिया है लेकिन आप लोगों को आना है तो सुबह 5 बजे या 6 बजे आइए। पूरा दिन आप यहाँ पे मज़ा ले सकते हो। 6:30 हो गया रात का। पूरा जो एरिया है बंद कर चुका है, दुकान सब बंद हो चुका है। देखिए सब लोग यहाँ से चला गया। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद।